हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग भौतिक विज्ञान में प्रतिरोधों के संयोजन संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। इसके द्वारा अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं, इसी के लिए ये प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान में थियोरी वाले भाग के साथ आंकिक भाग भी बड़ी महत्वपूर्ण होता है। बिना आंकिक भाग के पेपर में बढ़िया नंबर मिलना संभव नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि अगर आपको थियरी समझ में आता है तो आंकिक प्रश्न बड़ी सरलता से हल हो जाता है। तो आंकिक प्रश्नों पे पर्याप्त ध्यान दिया जाए, इसके लिए ये दो प्रश्न, दो चित्र आपके सामने रखे गए हैं कि इन सर्किट डायग्राम में हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का मान निकालना है। जैसे ये दोनों बोर्ड के प्रश्न हैं, ये 2 नंबर में है और ये 5 नंबर में। इस फिगर में इन दो बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए इस फिगर को अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये फिगर देखने से ऐसे लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम का है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह चित्र जो है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे उसके लिए, कि जो संयोजक तार होते हैं, इस संयोजक तार का प्रतिरोध जो है नगण्य होता है या शून्य होता है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि इस तार से इस 3 ओम के प्रतिरोध का एक सिरा, इसके भी प्रतिरोध का एक सिरा और इसका भी एक सिरा, यानी कि ये माना जा सकता है कि 1, 2 और 3, ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, इनके तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे जो है एक बिंदु पर, और इनके जो दूसरे सिरे हैं, यह सिरा और इस प्रतिरोध का यह सिरा और इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा, ये एक दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। यानी कि ये प्रतिरोध जो है, ऐसे समझा जा सकता है। फिर ऐसे आप इसको ले लीजिए ऐसे, और फिर तीसरा प्रतिरोध जो है इसमें, ये हो गया बीच वाला, और इसको हम बना दिए यहाँ पे। तो तीसरा प्रतिरोध जो है इसके साथ यहाँ बनाया जा सकता है। इस चित्र को ऐसे भी बनाया जा सकता है, और ये बना सकते हैं कि आप इस सी और डी को पकड़ के ऐसे बाहर की ओर खींचें तो नया अरेंजमेंट जो है इस फिगर का ऐसे हो सकता है। अब इसके बाद ये संयोजक तार है, ये संयोजक तार है, ये है, तो यह सिरा जो यहाँ चला आएगा और यह सिरा जो यहाँ चला जाएगा, तो इसके तुल्य प्रतिरोध जो बनेगा अंतिम फिगर, वो कुछ ऐसे बनाया जा सकता है। यानी कि ये फिगर जो है मूल रूप से इसी तरह का है, लेकिन जो संरचना प्रश्न में दिया हुआ है वह देखने से लग रहा है कि वह श्रेणी क्रम का है, लेकिन यह मूल रूप से समानांतर क्रम का है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब प्रतिरोधों के सिरों को संयोजक चालक से जोड़ते हैं तो उस स्थिति में संयोजक तार का जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य या शून्य होता है। इसलिए उसको हम एक बिंदु पे, जैसे इसका एक सिरा ये वाला सिरा और इस प्रतिरोध के यहाँ पे ये सिरा और इसका ये, एक बिंदु पे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो यहाँ जाके हम लोगों को ये समानांतर क्रम का संयोजन मिल जाता है। अब चूँकि यहाँ पर एकदम सरल हो गया, अब ये चूँकि ये 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में परस्पर जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम लोग सीधे निकाल सकते हैं। 1/R = समानांतर क्रम संयोजन का फार्मूला, 1/R = 1/R1+R2+R3। हर बराबर अंश जुट जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी R = हो जाएगा 1 ओम। तो यह एक प्रश्न होगा। अब इसका दूसरा भाग जो है इसी के साथ है, दूसरा भाग इसी में बना हुआ फिगर, उसका भी हम लोग इसी समय देख लें। यह एक दूसरा प्रश्न है, बोर्ड में 5 नंबर में पूछा गया है, और ये जो है 2 भाग में पूछा गया है। सर्किट डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है ए और सी के बीच प्रतिरोध, ए और सी के बीच प्रतिरोध। दूसरा है ए और बी के बीच प्रतिरोध, इनके बीच निकालना है। हम लोग पहले प्रश्न पे इसमें विचार करते हैं, कैसे इसको हल किया जा सकता है। ए और सी के बीच प्रतिरोध देखा जाएगा तो ये चला जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, क्योंकि यह विशेष संयोजन
चतुर्भुज की चार भुजाओं पर है और यहाँ पे R1 इसको R1, R2, R3 और R4 ऐसे मान लिया जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये होता है R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये सिचुएशन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में मिलता है तो जो बिकर पे जुड़ा हुआ प्रतिरोध होता है उसमें कोई धारा जो प्रवाहित नहीं होती है। तो इस थियोरी को इसमें इंक्लूड करेंगे तो जब A और C के बीच में प्रतिरोध निकालना है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दो और एक दो बटे एक आर वन बाई आर टू का मिला आर वन बाई आर टू की वैल्यू यहाँ मिल रही है टू बाई वन। ऐसे ही आर थ्री बाई आर फोर निकालेंगे तो यहाँ पर भी टू बाई वन ही मिलेगा और ये अनुपात आपस में भरा हुआ। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस ए सी प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये निकलता है कि हम लोग इस ए और सी के बीच प्रतिरोध की गणना के समय इस प्रतिरोध को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो अब हम लोग के पास बच कितने रहे, तो अब हम लोग के पास इन पांच प्रतिरोधों में से ये तीन ओम का प्रतिरोध गणना में सम्मिलित नहीं होना है। तो ये R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 ओम। ऐसे ही R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो इसी प्रकार R2 तथा R3 के लिए वो भी श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 ओम। अब इन दोनों की जगह पे 3 ओम का एक प्रतिरोध, इन दोनों की जगह पे 3 ओम का एक प्रतिरोध, ये समानांतर क्रम में हो जाएंगे और समानांतर क्रम में हो जाएंगे तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है तब तो इसमें कोई प्रतिरोध नहीं रखेंगे और नहीं तो अगर इसको प्रतिरोध के रूप में जोड़ेंगे तो तीन समानांतर क्रम में हो जाएंगे। तो कुल प्रतिरोध जो है दो तरह से निकल सकता है, जैसे इस परिपथ में जिसमें सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो तुल्य प्रतिरोध आर हो तो यहाँ से हो जाएगा वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर डैश प्लस वन बाई आर डबल डैश प्लस वन बाई थ्री ओम। बैटरी नहीं जुड़ा है तब, अब बैटरी ए और सी के बीच में जोड़ देंगे तो इसको हटाना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से, तो अभी नहीं जुड़ा है तो नहीं हटाएंगे और इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा तीन बटे तीन यानी कि एक ओम। एक वन बाई आर इज इक्वल टू वन तो यहाँ से निकल जाएगा आर इज इक्वल टू वन ओम। तो ये तब के लिए हुआ जब प्रतिरोध हमको ए और सी के बीच में निकालना हो। अब यदि प्रतिरोध हम लोगों को ए और बी के बीच में निकालना हो तो ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालने के लिए अब देखिए इसी प्रश्न में अब कैसे करेंगे हम लोग। अब इसके दूसरे भाग बी के लिए प्रतिरोध ए और बी के बीच, अभी इसके बीच में प्रतिरोध निकालना है तो इस तरह से इस प्रकार के जो परिपथ होते हैं उसमें हम लोग एक किनारे से काम करना शुरू करते हैं। जैसे इनके बीच निकालना तो इस कोने में चलें जो सबसे दूर है, तो यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध यहाँ पे एक यहाँ पे है तो ये दोनों प्रतिरोध जो परस्पर श्रेणी क्रम में है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि आर वन तथा आर टू श्रेणी क्रम में है इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो जाएगा 2 प्लस 1। अब इन दोनों जगह पर 3 ओम का एक प्रतिरोध और 3 ओम का यह प्रतिरोध, ये दोनों जो है समानांतर क्रम में होंगे तो नीचे लिखा जाएगा चूँकि R डैश तथा AC समांतर क्रम में है इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1 बाई R डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 और ये हो जाएगा 2 बाई 3। यहाँ से R डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को 3 बाई 2 ओम। अब इन तीनों के जगह पे प्रतिरोध मिल गया हम लोगों को 3 बटे 2। अब इन तीनों के साथ यह एक ओम का प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो अब फिर लेके चलेंगे हम लोग पुनः R डबल डैश तथा CD
श्रेणी क्रम में है, ये थोड़ा ये अधिक होगा क्योंकि बार बार हम लोगों को बदलना पड़ रहा है। अब ये तीनों मिलके इसके साथ श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध आर ट्रिपल डैश हो जाएगा 1+3/2, ये हो जाएगा 5/2। अब देखिए 1, 2, 3 और 4, इन चारों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकल गया कितना, 5/2 ओम। अब ये 5/2 ओम का एक प्रतिरोध और ये 2 ओम का प्रतिरोध फिर समानांतर क्रम में माना जाएगा, तो इसके लिए लिखा जाएगा R" तथा AB समांतर क्रम में है, इसलिए अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम लोग 1/R फाइनल निकल रहा है, 1/R = 1/2 और प्लस 1/5/2, ये हो जाएगा 1/2 + 2/5। इसको हल करेंगे लोग तो ये 10 × 5^4, ये हो जाएगा 9/10, यानी कि ये पूरे सर्किट डायग्राम का प्रतिरोध इस ए और बी के सापेक्ष निकल जाएगा कितना, 10/9 ओम। तो ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न में इस तरह से हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, उसमें आपको सीधे सीधे एक किनारे से शुरू करिए और दूसरे किनारे को चलते जाइए, आराम से आपको तुल्य प्रतिरोध जो है मिलता जाएगा।